आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लाई योर सेल। इंडिया में सेल्स की कोई ट्रेनिंग कोचिंग नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है। मेजर बिजनेस ओनर्स खुद सेल्स के बारे में करीब करीब कुछ नहीं जानते। बिजनेसमैन के पास वो टाइम होना चाहिए कि वो आज की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलावा फ्यूचर को एंटिसिपेट करे, ऐसी संगत में बैठे उठे जहां पर इस तरह की बातें होती हैं कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। सफलता का एक ही तरीका है सेल्स के लिए, आपके माइंडसेट को आपको बदलना पड़ेगा। माइंडसेट जब आप बदलते हो, प्लस का मल्टीप्लाई जब करते हो, तो आपके रिजल्ट बदलने लगते। इफ यू कैन टॉक वेल यू कैन सेल वेल इज ए मिथ। वास्तविकता ये है, इफ यू कैन लिसन वेल यू कैन सेल वेल। मालिक लोगों को स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर में ऐसा लगता है कि सेल्स टीम का काम है, सेलिंग जो है मेरा काम नहीं है, सेल्स टीम का काम। पर ये बहुत व्यापक भ्रांति है। रियलिटी है कि वी आर ऑल एक्चुअली इन सेल्स। Every family member in family or every employee in organization has to be sales driven. You have to persuade people, you have to sell your product or service with an intention, with a perception that my customer should win, I will automatically win. Small and medium sector ke log sales driven nahi hai, market driven nahi hai, competition orientation nahi hai, इसलिए सेल्स डिक्लाइनिंग होता है या स्टडी होता है। मेरी कंपनी की ग्रोथ x मल्टीप्लाई बाय 10 हो सकती है, अगर मेरे कस्टमर की ग्रोथ x 10 हो जाए तो मेरी भी हो सकती है। ये जब समझ में आ जाए, विन विन का गेम समझ में आ जाए, आपकी सारी लाइफ की फिलॉसफी बदल जाएगी, आपकी प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन बदल जाएंगे, आपका सर्विसिंग बदल जाएगा।